हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। अब तक हमने घनाभ, घन और बेलन के आयतन का अध्ययन किया। आज हम इस वीडियो में आयतन और धारिता, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी के संबंध का अध्ययन करेंगे। मानस, तुम अब तक घर पर ही क्या कर रहे हो? मैं कब से मैदान पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। थॉमस, माँ बाजार गई हैं और उन्होंने मुझे ये टंकी भरने तक घर पर ही रहने को कहा है। मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन ये टंकी तो अब तक नहीं भरी। ना जाने इसे भरने में और कितना समय लगेगा। ये तो हम गणित के द्वारा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात ये गणित का समय है। देखो मानस, ये टंकी घनाभाकार है और यहाँ नीचे इसकी विमाएं लंबाई 2 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई 0.5 मीटर लिखी है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस घनाभाकार टंकी का आयतन कितना होगा? दोस्तों, क्या आप इस घनाभाकार टंकी का आयतन ज्ञात कर सकते हैं? स्वयं प्रयास करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। इस तरह से हल करने पर हम देख सकते हैं कि घनाभाकार टंकी का आयतन 1 घन मीटर है। बिल्कुल ठीक। और क्या तुम जानते हो मानस कि किसी भी बर्तन में हम कितनी मात्रा में कोई वस्तु भर सकते हैं? वो उसकी धारिता, कैपेसिटी कहलाती है। लेकिन थॉमस, टंकी द्वारा घेरी गई जगह टंकी का आयतन वॉल्यूम है, और क्योंकि टंकी की मोटाई ना के बराबर है, टंकी के अंदर पानी द्वारा घेरी गई जगह या टंकी की धारिता कैपेसिटी टंकी द्वारा घेरी गई जगह या टंकी के आयतन वॉल्यूम के बराबर है। इसलिए टंकी में जितना पानी भर सकते हैं वो तो उसके आयतन के बराबर है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इस टंकी की धारिता 1 घन मीटर है? मानस, तुम्हारी बात कुछ हद तक सही है कि इस टंकी का आयतन इसकी धारिता के बराबर है। धारिता कैपेसिटी को हम मिलीलीटर और लीटर में भी व्यक्त करते हैं। अच्छा, अब मैं समझ गया। 1 घन मीटर 1000 लीटर के बराबर है, इसलिए इस टंकी की धारिता 1000 लीटर होगी। मानस, टंकी में जो पाइप पानी भरने के लिए इस्तेमाल होता है उसमें पानी 50 लीटर प्रति मिनट की दर से गिर रहा है, तो टंकी को पूर्णतः भरने के लिए कितने मिनट लगेंगे? टंकी की धारिता 1000 लीटर है और इसमें पानी 50 लीटर प्रति मिनट की दर से भर रहा है, इसका मतलब टंकी को पूर्णतः भरने के लिए 1000/50 यानी 200 मिनट लगेंगे। और मानस, टंकी आधी भर चुकी है, इसका मतलब इसे भरने में अब 200 का आधा यानी 100 मिनट और लगेंगे। चलो हम अपनी दुनिया में लौट चलें। हम तुम्हारे घर पर ही कोई खेल खेल लेंगे। इस वीडियो में आज हमने आयतन और धारिता, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी के संबंध का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे।